हेलो गाइस, कैसे हो। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी प्लाई को राइट एंगल में काटना। जैसा कि दोस्तों हम लोग वार्डरोब बनाते हैं, कोई भी बॉक्स बनाते हैं, उसका जो बैक साइड का प्लाई लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको टेढ़ा कट कर देंगे तो आपका बॉक्स हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। आज हम दोस्तों इसी के बारे में एक हम लोग वार्डरोब की बैक प्लाई को कट करेंगे राइट एंगल में और उसको आपको चौकोर करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, प्लाईवुड को राइट एंगल में कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लाईवुड को रख लेंगे और इसकी एक धार को सीधा करेंगे। इसके लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के टाइम आपको यह ध्यान में रखना है कि दोस्तों आपका जितना भी कटर मशीन का गेज हो उसे थोड़ा सा अधिक दूरी पर निशान लगाना है और इसकी धार को फिनिश कर लेना है। अभी हम लोग इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा धार सीधा हो गया है। अभी इस प्लाईवुड को हम लोग दूसरी तरफ पलट लेते हैं। अभी दूसरी तरफ से हम लोग इसकी फाइनल कट करेंगे। जितनी भी चौड़ाई में आपको लगाना है आपको सबसे पहले चौड़ाई में कट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है दोस्तों, आप भी इस तरीके से आसानी के साथ कोई भी प्लाईवुड को राइट एंगल में कट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिया हुआ है। अभी इसके बाद हम लोग बॉटम पट्टी रख करके इसकी चौड़ाई कट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लाईवुड की चौड़ाई कट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक बार इसको मेजर टेप की सहायता से चेक करेंगे दोनों साइड में कि हमारा ये चौड़ाई परफेक्ट कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। आप इसको ज़रूर चेक करें क्योंकि दोस्तों अगर कम ज़्यादा कटा रहेगा तो आपका परफेक्ट चौकोर नहीं हो पाएगा प्लाईवुड। इसके बाद हम लोग इस प्लाईवुड को लंबाई में कट करेंगे। इसके लिए हम लोग राइट एंगल का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप प्लाईवुड का जो हम लोग राइट एंगल बनाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है, उसके बाद आपको कोई लंबा प्लाईवुड लेना है या फिर आप बॉटम पट्टी की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो राइट एंगल रहेगा उतना लंबा नहीं रहेगा कि जितना आपका प्लाई हो थोड़ा। के बाद उसको निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों हम लोग राइट एंगल से फिर से एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि आपका ये प्लाईवुड परफेक्ट तरीके से कट हुआ है कि नहीं कट हुआ है। यहाँ पे रेडी है। अभी हम लोग प्लाईवुड को दूसरी तरफ फिर से पलट कर रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग फाइनल लंबाई यहाँ पर मार्क करेंगे, जितनी लंबाई आपको चाहिए यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है दोनों साइड में। ऊपर की साइड में भी हम लोग निशान लगा लेते हैं जितनी भी हमारी लंबाई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस मेजर टेप की सहायता से इसके कोने को चेक करेंगे दोनों साइड में। अगर बराबर आता है दोस्तों तब हमारा ये परफेक्ट तरीके से कट होएगा, अगर कम या ज़्यादा रहता है तो परफेक्ट तरीके से नहीं कट होएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये परफेक्ट दिखा रहा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक और निशान लगा लेते हैं फाइनल कट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको कट कर देंगे। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे मेजर टेप से मापने के बाद कोना कम या ज़्यादा आता है,
अगर दोस्तों एक साइड में ज़्यादा आ रहा है तो उसका आधा दोस्तों आप दूसरी साइड में उसको फिर से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये प्लाईवुड फाइनल कट हो चुका है। इसके बाद इसकी भी हम लोग मेजर टेप से लंबाई माप लेते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। और फाइनल में दोस्तों हम लोग इसको एक बार फिर से मेजर टेप से इसका कोना माप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मापने के बाद हमारा ये बहुत परफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा दोस्तों प्लाईवुड परफेक्ट तरीके से राइट एंगल में कट हो चुका है। आप इसको कोई भी बॉक्स हो, कैबिनेट हो, उसके बाइक में इसको ठोक सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।